Bismillah, rahman, rahim. Rabbi shrahi sadri wa yaseri amri wa alul uktatum al-lisani yafkahu kauli. Assalamu alaikum, everyone, and welcome to pyramids Colleges. Today we will see the secret tips and habits for effective English. Secret tips: कुछ tips हैं आपके सामने रखूँगा, जिससे हम English language, English language सीख सकते हैं. If you really want to learn English language, you will have to make a habit what is a habit let's see a set of action that is repeated frequently to get the desired result is called a habit dekhiye agar aapne english language seekhni hai to aapne ek habit banani hai habit a set of action that is repeated frequently to get the desired result is called to get the desired result desired results get karne ke liye aapne रिपीट करने हैं वो कौन से काम रिपीट करने हैं आल टेल यू फॉर एग्जाम्पल रेगुलर ब्रशिंग ऑफ टीथ गिव्स अस हेल्थी टीथ अब टारगेट क्या है टीथ उसके लिए क्या करना है रेगुलर ब्रशिंग बात हो रही है सेट ऑफ एक्शन दैट इज रिपीटेड फ्रीक्वेंटली अब आपका जो टारगेट है वो है इंग्लिश लैंग्वेज सीखना हम मैं, मैं आपको एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ अब आप कहते हो कि आई वुड लाइक टू हैव माई हेल्थी टीथ हाउ देट यू विल हैव टू ब्रश योर टीथ रेगुलरली इवन टॉइस अ डे अगर आप ट्वाइस अ डे ब्रश नहीं करते हैं और आप हो आप देखते हैं कि आपके टीथ हेल्थी हो जाएँ तो ऐसा पॉसिबल नहीं है आगे चलिए रिपीटडली यूजिंग अ कम्प्यूटर अगर आपने कंप्यूटर एक्सपर्ट होना है टाइपिंग सीखनी है तो आपने ये हैंड्स और फिंगर्स मूव करनी है एक दफ़ा मूव करने से टाइपिंग आ जाएगी नहीं दो दफ़ा मूव करने से टाइपिंग आ जाएगी नहीं देखिए कहा जाता है अ सेट ऑफ एक्शन दैट इज रिपीटेड फ्रीकेंटली टू गेट द डिज़ायर्ड रिजल्ट इज कॉल्ड द हैबिट अब हैबिट आपने अगर आपने हेल्थी टीथ चाहिए यूल हैव टू मेक अ हैबिट अगर आपको कंप्यूटर में मास्टरी चाहिए यूल हैव टू मेक अ हैबिट सेम इज़ द केस विद इंग्लिश लैंग्वेज अब यहाँ पे बहुत ही अच्छी चीज़ यहाँ पे बहुत ही अच्छी चीज़ लिखी गई है कहा गया है there are some ways to develop English language. There are some ways to develop English language. और वो कौन से ways हैं कहा जाता है उससे पहले देखिए by just knowing them not help. English language को कैसे सीखना है I'll tell you. लेकिन वो सीखने ही काफ़ी नहीं होगा by just knowing them not help. By knowing and doing them regularly. फिर से पढ़िए by knowing

वी फील कॉन्फिडेंट हाँ ये भी चीज़ें होती हैं कि वाई वी गेट confused? मेरे मुताबिक हम कन्फ्यूज़ इसलिए होते हैं कि हमारे पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता है बोलने के लिए क्यों कुछ नहीं होता है क्योंकि हमारे पास इन्फॉमेसन नहीं होती है इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं होती है क्योंकि हम रीड नहीं करते हैं जब हम रीड करते हैं तो हमारे पास इन्फॉमेसन होती है और जब इन्फॉर्मेशन होती है तो हमारा दिल करता है बोलने के लिए तो प्लीज़ इस तरफ आइए रीडिंग रीडिंग एंड रीडिंग We feel confident after reading loudly because of three reasons. Because of three reasons. First, because of we are reading loudly, we are reading grammatically correct English. Dekhiye, reading is improving grammar. mein are worried hai. Second reason is we are listening to correct English. And third, our eyes, brain, and entire system is coordinating with English usage. देखिए जब आप कोई भी चीज़ रीड कर रहे हैं मैं कहता हूँ इसको रीड करें वी फील कॉन्फिडेंट आफ्टर रीडिंग लाउडली यहाँ तक रीड करें आप एक दफ़ा रीड करते हैं दो दफ़ा रीड करते हैं अब ये सारी चीज़ें क्या हैं वी फील कॉन्फिडेंट आफ्टर रीडिंग लाउडली वी फील कॉन्फिडेंट आफ्टर रीडिंग लाउडली रेपिटेशन रेपिटेशन इज़ रिक्वायर्ड अ सेट ऑफ एक्शन दैट इज़ रिपीटेड फ्रीकुंटली टू गेट द डिज़ायर रिज़ल्ट योर रिज़ल्ट और योर डिज़ायर रिज़ल्ट इज इंग्लिश लैंग्वेज कि आपको बोलना आ जाए जब आप किसी जगह पे इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट देने जाते हैं तो आप वहाँ पे ये नहीं पूछ बताते हैं हाँ जी मेरा टेस्ट लीजिए मैंने प्रेजेंट परफेक्ट भी पढ़ा है मेरा टेस्ट लीजिए मुझे प्रेजेंट सिंपल भी आता है मेरा टेस्ट लीजिए मुझे फास्ट सिंपल भी आता है नहीं जब आप बोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कुछ पढ़ा है या आपकी ग्रामर कैसी है बोलने बगैर आपको कोई भी जज नहीं कर सकता है वापस आ जाते हैं रीडिंग के साथ सबसे पहले क्या चीज़ है आपकी ग्रामर इम्प्रूव हो रही है सेकेंड क्या चीज़ है कि जब आप देख रहे हैं तो आपकी आइज़ इन्वॉल्व होती हैं रीडिंग में आपके ईयर्स इन्वॉल्व होते हैं रीडिंग में और आपकी ज़ुबान इन्वॉल्व ये तीन तरीक़ों से आपके माइंड में ये चीज़ें जा रही हैं जब ये माइंड में जा चीज़ें जा रही हैं तो यहाँ पे जाके स्टोर हो रही हैं जब यहाँ पे कुछ स्टोर होता है तो बोला भी जाता है और लिखा भी जाता है उसके बाद और क्या चीज़ चाहिए आपको वी फील वेरी नाइस आफ्टर रीडिंग वर्क मोर ओवर रीडिंग इज़ द बेस्ट वे टू इम्प्रूव वैपल वोकेबलरी रीडिंग इज़ द बेस्ट वे रीडिंग इज द बेस्ट वे रीडिंग क्या है यू नीड टू रिपीट द थिंग्स यू नीड टू रिपीट द थिंग्स एक पेज लीजिए उसकी रीडिंग करते जाइए रीडिंग करते जाइए एक पेज में यही पेज जो है आपको अगर मिले तो इसमें कितने वर्ड्स होंगे कितने वर्ड्स होंगे हंड्रेड टू हंड्रड थ्री फोर फाइव हंड्रेड कितने वर्ड्स होंगे जितने वर्ड्स हैं इसको जब आप पढ़ते जाते हैं पढ़ते जाते हैं तो आपके माइंड में यहाँ पे जाके ये सारे वर्ड्स स्टोर हो रहे हैं उर्दू लैंग्वेज की बात कर लीजिए उर्दू लैंग्वेज में आपने डायरेक्ट जंप ली पे नहीं आपने सुन सुना सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे और वो वो यहाँ पर आके स्टोर हो गई जब वो स्टोर हो गई तो फिर आपसे बोला भी गया और लिखा भी गया इंग्लिश भी इसी तरह से है कि आप रीडिंग करें रीडिंग से आप इनपुट है आपकी इनपुट हो रही है जब आप कुछ चीज़ें रीड करते हैं तो फिर आपके वो माइंड में रहते हैं फिर जब वो बोलना के टाइम आता है जब ई में बोलने का टाइम आता है डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर बोलने का टाइम आता है तो आप खुद कहते हैं मुझे पहले बुलाइए मुझे पहले बुलाइए तो रीडिंग अब आप प्रॉमिस कीजिए फिर इधर आ जाते हैं इफ़ यू रियली वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज देन यू हैव टू रीड At least ट्वेंटी मिनट्स इसका टाइम बढ़ा दीजिए जितना टाइम बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके पास आएगी और जितनी ज़्यादा information आपके पास होगी आप उतना अच्छा लिख सकोगे और उतना अच्छा बोल सकोगे वेल सेकेंड वे इज mirror प्रैक्टिस फॉर टेन मिनट्स एवरी डे कोई भी चीज़ आपके सामने आ जाती है एक स्क्रिप्ट जब आपको दिया जाता है देखिए एक चीज़ यहाँ पे जो के लोग जो इसको मिसअंडरस्टेंड करते हैं वो ये है कि लैंग्वेज हम ई एल सी वाले इंग्लिश लैंग्वेज सिखाते नहीं हैं याद करवाते हैं लैंग्वेज को याद नहीं किया जाता कोई भी चीज़ इंग्लिश एक स्किल है जो कि मैं समझता हूँ दुनिया में कोई भी ऐसी स्किल नहीं है जिसको आप याद कर सकें हाँ प्रैक्टिस की जा, जाती है उसकी मिरर प्रैक्टिस क्या है कि कहा जाता है कि मोस्ट ऑफ़ द फ़िल्म एक्टर्स थिएटर पर्सनैलिटीज़ क्रिकेटर्स एंड मिलिट्री मैन यूज़ मिरर प्रैक्टिस टू डोल फैशन कौन कौन करता है मोस्ट ऑफ द फिल्म एक्टर्स थिएटर पर्सनैलिटीज़ क्रिकेटर्स एंड मिल्ट्री मैन यूज मेरा प्रैक्टिस टू डू पैशन एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस तो आपने भी अगर कॉन्फिडेंट होना है तो कोई भी स्क्रिप्ट लीजिए मैं कहता हूँ सबसे पहले अबाउट मी लिखिए और उसकी प्रैक्टिस कीजिए जी अबाउट मी से स्टार्ट लीजिए अबाउट मी अपने बारे में कुछ लिखिए उसकी प्रैक्टिस करके मिरर के सामने खड़े हो जाइए और अपने फेशियल एक्सप्रेशन देखिए कि क्या जो आप बोल रहे हैं आपके फेस के साथ आपके हैंड मूवमेंट्स वैसे हैं है, अगर नहीं तो फिर वापस जाइए प्रैक्टिस कीजिए फिर सामने आ जाइए मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको ये याद करना नहीं है ये प्रैक्टिस करना होता है कहा जाता है लर्निंग लैंग्वेज इज़ लाइक लर्निंग एक्टिंग तो आप अगर इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हैं अगर आप उस तरह से एक्ट नहीं करेंगे मैं उस तरह से एक्ट नहीं करूंगा, तो आपको भी समझ नहीं आएगी मैं अगर अपने हैंड्स मूव नहीं करूंगा, आपके फेशियल एक्सप्रेशन अपने वैसे नहीं बनाऊंगा जब मैं बोल रहा हूं, तो आपको समझ नहीं आएगी सेम इज़ द केस विद इंग्लिश लैंग्वेज आप अबाउट मी लिखते हैं आप अबाउट मी लिख के सामने आ जाते हैं और आप सबक जैसे लेसन है उसकी तरफ़ सुनाना शुरू कर देते हैं और साथ में मूव करना शुरू कर देते हैं माई इज इस एंड माई आई एम फ्राम से आलकोट एंड माई फादर फादर नेम इज़ फ़ादर नेम इज़ तो बताया जाता है फ़ादर ने फादर्स नेम है तो वो प्रैक्टिस करके ही होगा जब एक दफ़ा बोल बोलते हो आप माई नेम इज़ इस तो अच्छी तरह से नहीं बोल पाते हो सेकेंड टाइम जब बोलते हो तो उसको मजीद बेहतर हो जाता है थर्ड टाइम जब बोलते हो तो मजीद बेहतर हो जाता है बार बार जब बोलते हो तो नेचुरल हो जाते हो अब देखिए हमारे क्रिकेटर्स जो हैं आई एम सॉरी टू से दैट वो इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं क्योंकि उन वो प्रैक्टिस करके नहीं आते हैं क्योंकि उनको इतना आइडिया नहीं होता है कि हाँ हम किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके परफॉर्म कर सकते हैं बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके हमें बोलना पड़ जाएगा इसलिए स्टूडेंट्स आपको भी बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके बोलना पड़ सकता है आप कॉलेज स्टूडेंट्स हो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो फिर आपने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है आपने अपने सर्कल को बड़ा करते जाना है सबसे पहले आपका सर्कल छोटा है स्कूल स्कूल से कॉलेज कॉलेज से यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी से बिज़नेस बिजनेस से वर्ल्ड तो जब आपने वर्ल्ड में मूव करना है तो उसी के मुताबिक आपने आपको को प्रिपेयर करना है और उसके लिए आपने आपका कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है कॉन्फिडेंट होने के लिए यू नीड टू राइट समथिंग आफ्टर यू राइट समथिंग यू नीड टू प्रैक्टिस इट और उसकी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा कीजिए कि वो चीज़ें आपके माइंड आपके फेस पे नेचुरल हो जाएं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ एक एक्टर होता है उसको उर्दू लैंग्वेज में एक स्क्रिप्ट दिया जाता है और वो स्क्रिप्ट को कहा जाता है गो टू द नेक्स्ट रूम एंड प्रैक्टिस इट और वो प्रैक्टिस करता है बार बार प्रैक्टिस कर जब वो कैमरा के सामने आता है अगर जो डायलॉग है उसके फेस पे वैसा मैच ना कर रहा हो तो उसे कहा जाता है खत गो बैक प्रैक्टिस अगेन देन कम बैक फिर वो वापस आता है फिर वो उस रूम में जाता है पहले और उस रूम में जाके उसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है याद नहीं करता है उसको प्रैक्टिस करता जाता है करता जाता है और वो उस उन डायलॉग्स में अपने आप को इन्वॉल्व करता है अब इंग्लिश लैंग्वेज में भी अबाउट मी में भी अपने आप को इन्वॉल्व कीजिए इंग्लिश को इंग्लिश की तरह उर्दू को उर्दू की तरह पंजाबी को पंजाबी की तरह रखिए पंजाबी को सॉरी इंग्लिश को पंजाबी की तरह इंग्लिश को उर्दू की तरह नहीं बोलिए जब आपने इंग्लिश बोलना है टेल योर सेल्फ दैट यू आर गोइंग टू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज उसके लिए आपको मेरे प्रैक्टिस चाहिए मैं एक चीज़ बात करने का मकसद कि ये जो रेपिटेशन होती है रेपिटेशन जो होती है ये क्राइमिंग नहीं होती है रेपिटेशन से आप नेचुरल हो जाते हैं मिरर प्रैक्टिस क्या है आप मिरर के सामने खड़े होते हैं और बार बार जब बोलते हैं तो आप जो है वो शाय फील करते हैं जब फर्स्ट टाइम होता है वो कहा जाता है इट्स वेरी सिंपल यू जस्ट हैव टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड मेंटेन एन आई कॉन्टेक्ट विद इफ़ यू फील अनकम्फर्टेबल ओ शाई देन इट शोज यू हैव लो सेल्फ एस्टीम स्टार्ट में इस तरह से होगा यू विल फील शाई यू विल फील अनकम्फर्टेबल लेकिन एटलीस्ट आपने स्टेप तो लिया आपने स्टेप लिया आप गिर गए फिर आप खड़े हुए फिर आपने स्टेप लिया फिर आप गिर गए गिर किस तरह गए आपने शाए फील किया कोई बात नहीं अनकम्फर्टेबल फील किया कोई बात नहीं एक दफ़ा हुआ दो दफ़ा हुआ तीन दफा हुआ चार दफ़ा हुआ लेकिन वो कहा जाता है ट्राई अगैन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट प्रैक्टिस होगी तो ये ये अनकम्फर्टेबल से कम्फर्टेबल हो जाएगा इस शाए से आप कॉन्फिडेंस शाइनस रिमूव हो जाएगी हेजिटेशन खत्म हो जाएगी फिर जब आप किसी भी जगह जाके बोलेंगे तो आप प्रैक्टिस करके आए होंगे और जब प्रैक्टिस करके आए होंगे तो आपका दिल करेगा ज़्यादा से ज़्यादा बोलने का ज़्यादा कैसे बोल पाएंगे ग्रामर सीख के ज़्यादा नहीं बोला जाता है ज़्यादा बोला जाता है रीडिंग करके ज़्यादा बोला जाता है प्रैक्टिस करके तो अभी जो बात कर रहे थे हम लर्निंग हाउ टू लर्न लैंग्वेज तो सबसे पहले बताया गया यू नीड टू रीड अलॉट सेकेंड क्या बताया गया मिरर प्रैक्टिस अबाउट मी से लेके अबाउट मी को प्रिपेयर कीजिए मिरर के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस कीजिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ही इम्प्रूवमेंट आएगी वेल द नेक्स्ट वे टू इम्प्रूव और टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज एज टॉक टू योर फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स ऑन फॉन ओ विथ्रेंज एवरी डे आपको ई एस सी से कुछ पेजेस मिलेंगे जिसमें क्वेश्चन होंगे आपने क्या करना है टॉक टू योर फ्रेंड्स आप अपने फ्रेंड्स को मिलाइए मैं मैं अक्सर ये कहता हूँ कि आप हम ये नहीं कहते हैं कि सभी ई एल सी में आके लैंग्वेज कोर्स करें आपके पास जो नोट्स होते हैं वो आप अपने ब्रदर सिस्टर्स अपने फैमिली मेम्बर्स कज़न्स फ्रेंड्स रिलेटिव्स जितने भी हैं आप उनसे शेयर कर सकते हैं आप उनको सामने बिठाइए और उनको कहिए दीज़ आर द को आस्क मी मैं बार बार बता रहा हूँ आपको ये जब क्वेश्चनस को रिपीट करना क्रैमिंग करना रट्टा लगाना नहीं है रिपीट करने का मकसद नेचुरल होना है इसलिए कहा जाता है एक क्वेश्चन पेज को आप टेन टेन पर्सन मतलब अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ब्रदर सिस्टर फादर मदर सबसे कहिए आप भी मुझसे पूछो आप भी मुझसे पूछो आप भी मुझसे पूछो जब वो क्वेश्चन आपसे पूछेंगे आप <coughs> आंसर करोगे जब आप एक दफ़ा आंसर करोगे तो इतना नेचुरल नहीं नजर आओगे जब दूसरी दफ़ा करोगे तो भी नेचुरल साउंड नहीं करोगे तीसरी दफ़ा भी नेचुरल साउंड नहीं करोगे रेपिटिशन करते जाइए जब रैपिटिशन होगी तो फिर देखिए आप कितने अच्छा इंग्लिश लैंग्वेज बोलेंगे अब आपने आपको बताइए कि आप रोज़ जो हैं जो भी क्वेश्चन पेजेस मिलेंगे वो अपने फ्रेंड्स के साथ भी बोलेंगे अपने फैमिली मेंबर्स के साथ भी बोलेंगे हो सकता है हमारे फैमिली मेंबर्स हमें इंक्रेज करें अप्रिशिएट करें यस यू डूइंग अ गुड जॉब लेकिन हमारे फ्रेंड्स हमें अप्रिशिएट नहीं करेंगे क्योंकि जब हम ई में आते हैं या किसी भी लैंग्वेज इंस्टीट्यूट में जाते हैं और बाहर जाके इंग्लिश बोलना शुरू कर देते हैं तो फिर लोग कहते हैं ज़्यादा पढ़े लिखे हो क्या शो करना चाहते हो तो हम कुछ शो करना या करवाना नहीं चाहते हैं हम सिर्फ अपनी पर्सनैलिटी इंप्रूव कर रहे हैं हम एक लैंग्वेज सीख रहे हैं जो कि इंटरनेशनली बोली जाती है हम वो लैंग्वेज सीख रहे हैं जिससे मैं अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकता हूं मैं वो लैंग्वेज सीख रहा हूं जिससे मुझे अच्छी जॉब मिल सकती है मैं वो लैंग्वेज सीख रहा हूँ जिससे मैं दूसरी कंट्री में जा बिजनेस ले आ सकता हूँ दैट्स इट इसलिए मैं लैंग्वेज सीख रहा हूँ किसी को परेशान करने के लिए इंप्रेस करने के लिए मैं लैंग्वेज नहीं सीख रहा हूँ राइट कम बैक फैमिली मेम्बर्स और फोन कभी कभी ऐसा भी होता है आप हेल्पलाइन पे फ़ोन करके ऑप्शंस आती है कि अगर आपने इंग्लिश में बात करनी है तो एक दबाइए उर्दू में बात करनी है तो दो दबाइए तो आप इंग्लिश में बात करना शुरू कर दीजिए उनके साथ फो नथिंग तो इसके लिए भी इससे भी आपकी शाइनस गलत बोली फोर अबाउट योर ग्रामर शुरू शुरू में अगर आप ये कहते हैं कि मैं पहला सेंटेंस बोलूँ तो वो बिल्कुल ठीक हो तो वो पॉसिबल नहीं है फर्स्ट स्टेप लेते हुए आप गिरेंगे सेकेंड स्टेप लेते हुए भी आप गिरेंगे लेकिन वो स्टेप्स लेते जाएंगे तो देखिए आप चलना भी शुरू कर देंगे और एक टाइम आएगा कि आप दौड़ना भी शुरू कर देंगे <coughs> हो गया अब आगे चलते हैं थैंक इंग्लिश हमसे इंग्लिश लैंग्वेज क्यों नहीं बोली जाती है क्योंकि हम ट्रांसलेशंस करना शुरू कर देते हैं ट्रांसलेशंस करने से मतलब कि फ़िक्रे के एंड में क्या आता है फ़िके के शुरू में क्या आता है तो इस तरह से इंग्लिश नहीं बोली जाती इफ यू आर लर्निंग उर्दू लैंग्वेज थिंक इन उर्दू लैंग्वेज इफ यू लर्निंग पंजाबी लैंग्वेज थिंक इन पंजाबी लैंग्वेज सेम इज़ द केस विद इंग्लिश लैंग्वेज इफ यू लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज थैंक यू न इंग्लिश लैंग्वेज अब आप कहेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज तो हमारी लैंग्वेज नहीं है तो कैसे हम इंग्लिश में सीखें तो अभी उर्दू की बात कर लेते हैं कि उर्दू लैंग्वेज भी किसी और लैंग्वेज में पहले नहीं सोचते हैं आप, आप उर्दू बोलना शुरू करते हैं यू स्ट आर्ट स्पीकिंग आप पंजाबी लैंग्वेज बोलना शुरू करते हैं यू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हुए रुक क्यों जाते हैं क्योंकि जो वेज हैं वो गलत होते हैं और वो वेज कौन से हैं आप कहते हो मुझे सारे एक्टिव पैसिव तो आते नहीं हैं तो मैं कैसे सीखूं मुझे डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो आते नहीं है मैं बोलना कैसे सीखूं मुझे तो अभी कुछ टेंसेज भी नहीं आते हैं तो छोटे बच्चे को भी रोक दिया करें ना अभी नहीं ग्रेट सॉरी टू ईयर्स थ्री ईयर्स को कहें आपको मैं एक्टिव पैसिव सिखाऊंगा तो आपने बोलना है अदरवाइज़ नहीं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएंगे तो बोलना है अदरवाइज़ नहीं ऐसा नहीं होता है वो बच्चा सुनता रहता है सुनता रहता है और एक टाइम आता है बोलना शुरू कर देता है जब वो पहले दिन एक वर्ड बोलता है तो वो अच्छी तरह से नहीं बोलता है फिर आप उसकी करेक्शन करते हो फिर जब बार बार वो चीज़ें होती हैं तो आप वो चीज़ वो बच्चा नेचुरल हो जाता है अब इंग्लिश लैंग्वेज की तरफ आते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज में कहा जाता है मोस्ट ऑफ अस आर नॉट एबल टू स्पीक फ्लुएंट स्पीक फ्लुएंटली कि बहुत से स्पीकर्स हमारे फ्लुएंट क्यों नहीं है क्योंकि वो पहले पंजाबी में सोचते हैं पंजाबी के बाद उर्दू में सोचते हैं और उर्दू के बाद उसकी इंग्लिश करते हैं और देखते हैं कि ये वी वन है वी टू है या वी थ्री है तो मैंने आपको बताया कि फ्लुएंट होने के लिए यू नीड टू रीड अ लॉट जब आप देखिए इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे हैं कैसे आपने आपने ये की चीज़ करनी है थिंक इन इंग्लिश उसके लिए आपने रीडिंग और लिसनिंग बहुत ज़्यादा करनी है जब आप बहुत ज़्यादा रीडिंग करते हैं बहुत ज़्यादा लिसनिंग करते हैं तो फिर हम आपको ग्रामर सीखने का तरीका भी बताएंगे कि ग्रामर कैसे सीखा सीखी जा सकती है ग्रामर इज़ ऑल अबाउट वर्ब कि वर्ब की पहचान हो जाएगी तो आप देखिए इतनी आसान इंग्लिश ग्रामर है इतनी आसान है जो कि हमने इतनी मुश्किल बना दी है वो मुश्किल कैसे बना दी है कि हम इंग्लिश को उर्दू में ले जाते हैं इंग्लिश को पंजाबी में या पंजाबी को उर्दू में लेके आके उर्दू से इंग्लिश में आते हैं तो फिर ये चीज़ कभी भी नहीं हो सकती है इफ़ यू रियली वॉन्ट टू बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश लैंग्वेज यू शूड रियल अलॉट यू शुड लिसन अलाट अब देखिए अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं मोस्ट ऑफ अस आर नॉट एबल टू स्पीक फ्लुएंटली बिकॉज वी आर थिंकिंग थिकिंग मदर टंग व्हेन यू हैव टू स्पीक ऑल ऑफ सडन इन इंग्लिश वी ट्राई टू ट्रांसलेट फ्राम रीजनल लैंग्वेज क्या करते हैं हम अपनी जब बोलना पड़ता है तो फिर हम उसको उर्दू से इंग्लिश करते हैं और इंग्लिश वो वाली करते हैं जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है एंड विच इज़ वेरी चैलेंजिंग अगर आप करते हैं अपनी ट्रांसलेशन करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है और मुश्किल में इसलिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज मुश्किल लगती है कि आपको लगता है कि वो ता है रहा है चुका है था थी से लैंग्वेज सीखेंगे तो ही बात बनेगी ऐसी बात नहीं है जिनकी ये लैंग्वेज है उनको ना तो ता का पता है ना चुका का पता है ना रहा का पता है उनके मुताबिक रूल्स हमने सीखने हैं इंग्लिश ग्रामर को सीखना है तो इंग्लिश ग्रामर्स और इंग्लिश राइटर्स की बुक्स के साथ इंग्लिश प्रनाउंसन इंप्रूव करनी है तो ऑक्सफर्ड की डिक्शनरी देखनी है कैम्ब्रिज की डिक्शनरी देखनी है अपनी डिक्शनरीज के साथ हम वर्ड्स को प्रनाउंस करना नहीं सीख सकते हैं अपनी जो उर्दू राइटर्स की ग्रामर्स हैं उसके साथ आपको ग्रामर नहीं आएगी उसमें आपके मिस्टेक्स के चांसेस हैं वो कैसे चांसेस हैं मैं आगे जाके वो भी बताऊंगा आपको अब आज के बाद आपने इंग्लिश में कैसे सोचना है आपने इंग्लिश में कैसे सोचना है अब आपको कुछ बताया जाएगा आपको बताया जाएगा जब आपने किसी से फर्स्ट टाइम मिलना है तो आपने उसका हाल कैसे पूछना है दैट्स इट इतना इंग्लिश में जानना काफ़ी है कि हाउ टू आस्क समबडीज हेल्थ और अब जब आपने किसी से किसी का हाल पूछना है तो आप उर्दू में देखते हैं उर्दू में कितने तरीके हैं किसी से हाल पूछने के आपका क्या हाल है और आप कैसे हैं और आपके मिजाज कैसे हैं और कैसे गुजर रही है और कैसी चल रही है अब ये फाइव सेंटेंसेस मैंने उर्दू के बोले हैं अब ये उर्दू को उर्दू में ही रहने दीजिए अब आ जाइए इंग्लिश की तरफ अगर आप ये कहें कि सर मैंने पूछना है आपका मिजाज क्या कैसा है मिजाज की इंग्लिश तो मुझे आती नहीं है तो हम उर्दू से इंग्लिश करेंगे तो ऐसा कभी नहीं हो सकेगा अब जब हम रीडिंग करेंगे तो रीडिंग में हम देखेंगे कि आपका हाल मतलब हाल कैसे पूछ सकते हैं तो वो कहेगा हाउ आर यू हाल कैसे पूछ सकते हैं वो कहेगा हाउ आर यू डूइंग हाल कैसे पूछ सकते हैं वो पूछेगा हाउ यू गोइंग हाल कैसे पूछते हैं हाउ यू हाउ इज़ योर लाइफ अब अगर कोई पूछ रहा है हाउ यू हाउ यू डूइंग हाउ इज़ योर लाइफ तो आप प्लीज़ उसकी उर्दू ट्रांसलेशन ना करें जिंदगी कैसी है हाउ यू गोइंग कैसे जा रहे हो नहीं इसकी उर्दू ना कीजिए जब आप किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हैं सॉरी जब आप किसी से मिलते हैं तो आप उससे किसी उससे हाल पूछते हैं तो पूछते हैं हाउ आर यू मैन हाउ आर यू हाउ यू डूइंग हाउ आर थिंग्स हाउ आर यू कीपिंग तो मतलब कीपिंग का मतलब रखने की सेंस में ना रखिए हम उर्दू से इंग्लिश और इंग्लिश से उर्दू की तरफ नहीं जाएंगे तो ही लैंग्वेज आएगी अब ऊपर एक हैडिंग होगी हैडिंग क्या होगी वो हैडिंग ये होगी कि किसी से किसी का हाल कैसे पूछा जा सकता है तो इंग्लिश को इंग्लिश में ही रहने दीजिए इंग्लिश को उर्दू में ना लेके जाइए और उर्दू को इंग्लिश में ना लेके आइए मैं कहता हूँ किसी से किसी का हाल पूछना है तो पूछते हो आप कैसे हो और रिप्लाई मिलता है बस यार गुजर रही है यार तो फिर आप जाते हो गुजरने की इंग्लिश तो मुझे आती नहीं है चलो यार डिक्शनरी कंसल्ट करते हैं अब डिक्शनरी कंसल्ट किया गुजरने की इंग्लिश क्या है गुजरने की इंग्लिश क्या है तो वो होगा स्पेंडिंग जो स्पेंडिंग तो फिर गलत हो जाएगा उर्दू को उर्दू में रहने दीजिए आपको ये क्वेश्चन पूछ रहा है कैसे हैं आप हाँ ताबे सर अब मैं कहता हूँ कि यार ताबे की इंग्लिश क्या होगी वो मुझे पूछ रहा है हाउ आर यू ताबे की इंग्लिश में उर्दू डिक्शनरी ओपन करता हूँ और वहाँ से देखता हूँ ताबे की इंग्लिश क्या है ओबीडियन तो हाउ आर यू का रिप्लाई अगर आप ओबीडियट में देंगे तो गलत हो जाएगा ये थोड़ी सी एग्जांपल सिर्फ आपको देने का मकसद ये था कि उर्दू को उर्दू में रहने दीजिए और इंग्लिश को इंग्लिश में रहने दीजिए इंग्लिश में रिप्लाइज बहुत से हैं जैसे हाउ आर यू से हट के भी रिप्लाई किया क्वेश्चन पूछा जा सकता है आई एम फाइन से हट के भी रिप्लाई किया जा सकता है और वो जब रिप्लाइज आपको सिखाएंगे तो आपके माइंड में ये चीज़ होनी चाहिए थिंक एन इंग्लिश कि कोई भी चीज़ आपको दी जाएगी आप उसको प्लीज़ इंग्लिश में ही रहने दीजिए उसको उर्दू में बिल्कुल ना कीजिए कि हाँ ये V1 को आप ता है में ना समझिए V2 को आप अलिफ और था में ना समझिए फ्यूचर को आप गा में ना समझिए ये ग्रामर नहीं है हम आपको ग्रामर बताएंगे कि वी वन को फ्यूचर में कैसे लेके जाना है वी वन को पास में कैसे लेके जाना है वी वन को प्रेजेंट में और आई जी फॉर्म में और एस और एस में कब यूज़ करना है वी विल डेफिनेटली टीच यू आगे चलते हैं पर्चेस आ ग्रामर बुक आपको ग्रामर बुक बाय करने की ज़रूरत नहीं है वी विल प्रोवाइड यू ग्रामर शीट्स वी विल प्रोवाइड यू पेजेस फॉर रीडिंग वी विल प्रोवाइड यू सम डायलॉग्स वी विल प्रोवाइड यू स्टफ़ फॉर लिसनिंग एवरी थिंग इनशाला ई एल सी विल प्रोवाइड यू थैंक यू वेरी मच फॉर योर